मैं कुलदीप सक्सेना आप लोगों के साथ आई नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। दौसा जिले के रायपुरा गुजरान फिकराय गांव में श्रीमद भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई, साथ ही डीजे की धुन पर सभी ने आनंद उठाया। आइए एक नजर डालते हैं कलश यात्रा की ओर। दौसा जिले के रायपुरा गुजरान सिकराय गांव में श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। 7 दिवसीय कथा से पूर्व निकाली गई यात्रा में सैकड़ों पितृवस्त्रधारी महिलाएं कलश को धारण किए चल रही थी। वहीं कुछ भक्तों द्वारा अबीर गुलाल को उड़ाकर होली भी खेली गई। आयोजक समिति के सदस्य यात्रा के आगे भगवान पुराण को सिर पर धारण किए चल रहे थे। यात्रा गाँव के सभी प्रमुख मार्गो से होती हुई कथा स्थल पर विसर्जित हुई। कथा व्यास पूज्य साध्वी प्रज्ञा दीदी के मुख वरिंद से श्रवण कराई जाएगी। कथा में पूज्य आनंद चेतन जी महाराज भी विराजमान रहेंगे। कथा का आयोजक चिरंजीलाल बैसला ने सभी से कथा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान किया। कल विश्व दिव्यांग दिवस पर एक शाम दिव्यांगों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में IAS नीरज के पवन सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए नजर डालते हैं खास रिपोर्ट की ओर। कल विश्व दिव्यांग दिवस पर एक शाम दिव्यांगों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। यह आयोजन जेके लॉन अस्पताल रोड पर स्थित राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार बधेर उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में संपन्न हुआ। इसे भारतीय प्रेस आयोग एवं राइट टू एक्शन में पर्यावरणीय विशेष शिक्षा सेवा संघ और अनुभव मूक शक्ति अभिभावक संस्था सेठ आनंदीलाल सेठ पोद्दार बधेर उच्च माध्यमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में नीरज के पवन साहब IAS सूचना एवं प्रसारण निदेशक राजस्थान सरकार व रणवीर सिंह परिहार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान, वीरेंद्र यादव OSD मंत्री, राजेंद्र सिंह यादव राजस्थान सरकार, संत हरिचेतन जी महाराज और श्रीमती अर्चना शर्मा प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व मीडिया चेयरपर्सन आदरणीय पंडित सुरेश शर्मा जी, इसके अलावा राष्ट्रीय गायक कलाकार रविन्द्र उपाध्यक्ष व प्रसिद्ध राजस्थानी लोक कलाकार पन्या सैपट एवं अन्य कलाकारों और आज की खास शख्सियों से रूबरू होने का अवसर मिला। इसी के साथ पूज्य कथा व्यास अनमोल श्री गुर्जर भी वहां विराजमान थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।